हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अभी आया हूँ स्विट्जरलैंड में। ये अपिनजुला जगह है, इसका नाम है अपिनजुला। और यहाँ बहुत सारा स्पोर्ट है, बच्चों के लिए, बड़े के लिए, सब कुछ है। क्या क्या आप नहीं कर सकते, सब कुछ है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सब कुछ। तो बहुत लोग इधर आते हैं, अभी आने का टाइम भी है। अगर कोई आ सकते हैं कभी भी तो आ सकते हैं। अपिनजुला इसका नाम है, बहुत अच्छा है, फन बॉम भी है। हाँ, तो देखो कैसा कैसा स्पोर्ट है, क्या क्या बताऊँ, नाम भी नहीं आता है। सब आप कर सकते हैं और सस्ता भी है, 10 यूरो 15 यूरो टिकट है, सब कर सकते हैं। देखो मस्त, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये चलो मैं भी क्या क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखो यहाँ क्या नहीं है, जो चाहिए, जो खेलने को लोगों को चाहिए वो सब है। देखो यहाँ खेल रहे हैं, यहाँ के लोगों की जिंदगी तो देखो, ये सब कर रहे हैं। देखो जा रही है, वाव। वाह, देखा आपने, गिरे ना, देखते पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। पहुंच जाएगा। देखो कितना छोटा बच्चे को करवा रहे हैं। देखो अब से इसको कर रहा है कि या कि बड़ा होके ये मेडल प्राप्त करे। देखो और हमारे क्या कोई इस ऐसे बच्चे को करवा रहा है अभी। देखो 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 कितना छोटा बच्चा। देखो ये है यहाँ की, मैं भी कहता हूँ सब अपने छोटे छोटे बच्चे को ऐसे तैयार करे, क्योंकि बड़े होके गोल्ड मेडल लेके आए, कुछ जीवन में कर सके। लेकिन हमारा तो पता नहीं है भी नहीं, शायद होगा नहीं होगा, अगर है तो जरूर करवाए। देखो यहाँ के बच्चे, वो देखा आपने, देखो यहाँ छोटे छोटे बच्चे को काबिले तारीफ है इनके माँ बाप को। यहाँ है एक तो ये लोग कर सकते हैं। देखो देखो ये है यहाँ का, देखो ओ माई गॉड, गिरना चाहिए, नीचे कुछ नहीं है। देखो ओ माई गॉड, वाह, ये लड़की है, देखो इसका नाम है फन बॉम। तो अभी हम ये करने जा रहे हैं, तो देखिए कैसा है फन बॉम स्विट्जरलैंड में। चलो दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है फन बॉम में।
ये ऐसा होता है यहाँ से ऊपर जाने का, और ऊपर अभी ये रास्ता है, 3-4 मिनट का रास्ता होता है ऊपर जाने का। मस्त, यहाँ स्विट्ज़रलैंड में तो सब ग्रीन ग्रीन है, तो मज़ा आता है। मैंने भी कभी नहीं किया था, पहली बार यहाँ किया है। कहाँ मेरा गांव गुजरात इंडिया, और कहाँ मैं फन बम करने के लिए आ गया है स्विट्ज़रलैंड, क्या बताऊँ। तो मैं बोला चलो आपके साथ भी शेयर करूं, और मैंने भी कभी नहीं किया, बचपन में तो कभी किया ही नहीं था, तो लगा चलो मैं भी आज करूं ट्राई, और आपको भी साथ में एंजॉय करवाता हूं दिखा के। तो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ से आगे से फिर ये नीचे जाने वाला है। अभी जाने के टाइम तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करना नहीं पड़ता है। जब आप नीचे जाते हैं ना, तब उसकी ब्रेक पकड़ना पड़ता है पूरी तरह से, क्योंकि बहुत वो स्पीड में जाता है नीचे, इंजन नहीं होता है उसमें, बस वो नीचे की तरह ढाल ढेल होता है, तो ढल जाता है बहुत तेज़ी से। अभी तो शुरुआत हो गई है, देखो कितना नीचे तेज़ी से अभी ब्रेक पकड़ा है। देखो फिर इसका क्रॉस आता है, तो उसमें बहुत डर लगता है पहली बार तो, लेकिन दूसरी बार इतना डर नहीं लगता। तो कितनी तेज़ी से जा रहा है आप देख रहे हैं, अभी तो ब्रेक पकड़ते हैं तो थोड़ा श्वास आता है, नहीं तो पूरा। तो आप देख रहे हैं कितना तेजी स्पीड से चल रहा है अभी, क्योंकि ब्रेक अभी थोड़ा ज़्यादा छोड़ दिया है। तो आप भी इंजॉय करिए, आप भी अभी मेरे साथ ही, आप लगता होगा कि आप मेरे साथ ही अभी कर रहे हैं ये। तो ऐसा है यहाँ का ये फन बॉम का मज़ा। अगर आप कहीं भी पहली बार करिए तो ब्रेक पकड़ के रखने का, नहीं तो इसमें गिरने का भी चांस होता है और लग भी सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है इसमें। तो आ गए हम अभी नीचे, तो ये पूरा स्पोर्ट का है जो आपको अभी बताया, और ये था फन बॉम। 4-5 मिनट का होता है ऊपर जाने का और नीचे आने का। तो हम आ गए हैं नीचे अभी। आई फन बॉम में कैसा लगा आपको? जो छो ट्रैक्टर है यानो आप बताओ, कुछ हो जमवाना गायू नो बो भेगो कर लियो ऑटोमेटिक। મૂકો મળ્યો આપણને, સારું કહેવાય કે ટ્રેન જોવા મળી અહીંયાની સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ટ્રેન, લાઇટ વાળી છે, સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં પણ તમને આવું જોવા મળે, જોવો ક્લાસિક જે વર્ષો પહેલાનો છે, અત્યારે પણ આ એક સ્ટાઇલ છે અહીંયાની, કેવો છો ને, આપણે અત્યારે લુપ્ત થતા જાય, આવું કોઈ રાખે નહીં। तो यहाँ से मैंने कर लिया सब, देख लिया, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पे, चलो मिलता हूँ। ये फन बम देख के आपको सबको मज़ा आएगा, और ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, जितना हो सके उतना किया हूँ, क्योंकि जाना है और जगह पे काम पे। तो चलो बताता हूँ और जगह पे।